नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के जूनागढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस जनसभा में मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक नए घोटाले का खुलासा किया है क्या है वो घोटाला आप भी सुने कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है लेकिन अब सबूतों के साथ हवाबाजी नहीं सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला तुगलक रोड चुनावी घोटाला कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है कांग्रेस गर्भ महिलाएं बहनें सुने कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है बीते तीन चार दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है पैसा कहां से कहां जा रहा था किसके घर से निकला कहां पहुंचा सब मीडिया में छन छन करके सबर आ रहा है मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी छह महीना भी नहीं हुआ कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है प्रधानमंत्री ने तुगलक रोड चुनावी घोटाले का जहां जिक्र किया कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ के झूठे वादों की भी कहानी सुनाई मेरे हिसाब से कांग्रेस को जानने के लिए ये कथा बहुत काम आ सकती है एक परिवार में तीन बेटे थे पिता की खूब सेवा करते थे मन से तो नहीं करते थे लेकिन धन की लालच में करते थे और तीनों बेटों के बीच में स्पर्धा रहती थी कि अगर मैं ज्यादा सेवा करूंगा तो पिताजी की विरासत और धन मुझे मिल जाएगा लेकिन धीरे धीरे बच्चों को पता चलने लगा ये तो सब खाली खाली है इनके पास तो कुछ नहीं है खुद ने अपनी मौज मजा के लिए लुटा दिया है जो कुछ भी कमाई होती थी वो सारी कमाई उन्होंने अपने लिए खर्च दी और धीरे धीरे तीनों बेटो ने पिताजी की कन्नी काटने लगे वो दूर भागने लगे माँ बाप की सेवा बंद कर दी अब पिता भी बड़ा कांग्रेस में रहा हुआ था तो बड़ा चतुर था वहां की सारी चालाकी जानता था और वह बेटों की नीयत समझ गया कि कब बुढ़ापे में ये हमारी कोई सेवा नहीं करेंगे तो चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से दुनिया में रहकर के आया था तो उस पिता ने बड़ी चालाकी की उसने क्या किया एक दिन एक बड़ा पत्थर लेकर के घर में आया और रुपये का एक बहुत बड़ा सिक्का पुराने जमाने में आता था वो सिक्का निकाला और रात को अपने कमरे के दरवाजे बंद करके जोर से पत्थर पे पटकता था आवाज आती थी बोलता था एक फिर दोबारा पटकता था दो तीन पांच हजार पांच हजार दस हजार और बेटे जाग गए सुन रहे थे कि तो अंदर कमरे में रुपये गिन रहा है तो तीनों बेटों में भ्रम हो गया कि पिता के पास जरूर पैसा होगा और इसलिए तीनों बेटों ने फिर से सेवा शुरू कर दी और जब अंत काल आया तो पता चला कि एक ही रुपयों को बार बार बजा करके ये हमें मूर्ख बना रहा था कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है उसके झोले में कुछ नहीं है ऐसे झूठे वादे करके अंधेरे में झूठे वादे करके वो गरीबी हटाओ का नाम एक सिक्का बार बार पिटती रहती है एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के तुगलक रोड चुनावी घोटाले का जिक्र किया तो वहीं दूसरी ओर मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ के झूठे वादों की कहानी सुनाई तो वहीं मोदी ने बताया कि क्या है बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड और क्या है कांग्रेस का टेप रिकॉर्डर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तुलना करोगे तो आपको क्या देखना होगा एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और कांग्रेस का टेप रिकॉर्डर देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका टेप रिकॉर्ड है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखोगे तो उसमें दिखाई देगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले देश की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करने वाले विकास ही एक मंत्र को लेकर के देश का भला करने वाले गरीब से गरीब का कल्याण करना मध्यम वर्ग के लिए अवसर पैदा करना गांव का भी विकास हो शहर का भी विकास हो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और कांग्रेस का टैप रिकॉर्ड सुनोगे तो क्या आएगा कांग्रेस के और उनके सभी साथियों के टैप रिकॉर्ड में एक ही गाना बजता है मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटा। हटाने के सिवाय इनके पास कोई एजेंडा नहीं